हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ फ्रेंकी। तो फ्रेंकी के लिए सबसे पहले मैंने ये 2 कप आटा लिया है। आप चाहें तो आधा 1 कप आटा और 1 कप मैदा भी ले सकते हैं। और ये मैंने आलू बॉईल करके मैश कर लिए हैं। ये थोड़ी सी हरी मिर्च है, ये 1 टमाटर कटा हुआ है, इसको मैंने बहुत बारीक बारीक पीस लिया है। और 1 ये प्याज है, ये थोड़ी सी छौंकन के लिए हरी मिर्च है, ये अदरक है, ये लहसुन है और ये हरा धनिया है। ये मेरे पास रेडीमेड फ्रेंकी मसाला है, ये मेरे पास रेडीमेड फ्रेंकी मसाला है। और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल है और थोड़ा सा बटर है, नमक है, पानी है आटा मारने के लिए। तो आइए पहले हम आटे का शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 कप आटा ले लिया है। इसमें मैं 1/2 चम्मच नमक डालती हूँ, थोड़ा सा ऑयल, लगभग 2 टीस्पून के आसपास ऑयल डालती हूँ। और फिर इसका एक हम सॉफ्ट डो तैयार करते हैं। आटा हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के माड़ेंगे। आटा तैयार हो गया है हमारा। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इसको ढक के रख देते हैं, तब तक हम जो है फ्रेंकी के लिए मसाला तैयार करते हैं। कढ़ाई गरम करने रख दी है, जब ये गरम हो जाएगी तो इसमें थोड़ा सा ऑयल, ऑयल हो गया है, ऑयल हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, उसके बाद हम इसमें अदरक डाल देंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे साथ में भुनने के लिए। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। अब इसमें जो है फ्रेंकी मसाला 1 चम्मच डाला है मैंने। फ्रेंकी मसाला मार्केट में उपलब्ध है, आप चाहें तो घर पे भी बना सकती हैं। अब इन टमाटरों को हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से चलाते हुए इनको हम भून लेंगे। और अब इसमें हम ये जो है उबाल के पीसे हुए आलू डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स कर लेंगे। ब
बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। और ये आलू हमारे अच्छे से भुन गए हैं। इस तरह से ये स्टफिंग हमें तैयार करनी है। ये स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और उसको हटा कर अलग से रख देंगे। अब हमारे लिए ये हरी मिर्च, अभी मैंने कटी हुई हरी मिर्च ले ली है। इसमें थोड़ा सा सिरका डालेंगे हम, लगभग 2 चम्मच सिरका डाल के, ये सिरका विनेगर है ये, इसको डालेंगे। और थोड़ा सा नमक डालेंगे हम इसमें और इसको मिला के अच्छे से हम रख देते हैं। फ्रेंकी में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए इसको कभी मत मिस कीजिए। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे, तो इसको हम एक साइड कर। हाँ तो फ्रेंड्स, जो आटा मैंने मला था उसको, उसके मेरे ये 7 रोल बने हैं उससे। और ये जो मसाला वाले आलू थे उनको मैंने इस शेप में बना लिया है, कटलेट स्टाइल। और अब मैं जो है फ्रेंकी को बेलना स्टार्ट कर दूँ। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आटा लगाएंगे इस तरह से और फ्रेंकी को बेलेंगे। रोटी से थोड़ा सा बड़ा बेलना है जिससे इसमें फिलिंग आसानी से भरी जा सके। तवे पे हम बटर डाल देंगे। आप घी में भी बना सकती हैं आप चाहे तो। मैंने यहाँ पे बटर डाला है और अब इस तरह से हम इसको डाल देंगे। पलट देंगे उसके लिए। रोटी को कच्चा पक्का ही सेकना है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं सेकना है, कच्चा पक्का ही सेकना है। साइड से एक थोड़ा सा बटर डाल के मैं जो है ये रोल भी सेक लेती हूँ। सीख गया है और अब हम इसी तरह से दूसरा भी सेक लेते हैं बटर डाल के। देखिए ये भी सिक गया है हमारा और फिलिंग भी सिक गई है। तो मैं गैस को सिम कर देती हूँ और फ्रेंकी को भर के मैं इसके लिए आपको सेक के दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने फिलिंग को रख लिया है, फिलिंग को रख लेंगे हम। और इस पर हम ये सिरका वाली ग्रीन चिली का लगाएंगे, इसका बहुत अच्छा
फ्लेवर आता है इसमें, बहुत टेस्टी होती है। फिर हम थोड़ा सा इसमें ये प्याज चॉप किया हुआ इसको डालेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा नींबू डालेंगे, हरा धनिया, थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और एंड में थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे। बीज गिर गया है इसका नींबू का, तो इसको मैं अलग कर दूंगी। तो अब हम इसकी फ्रेंकी बनाएंगे। इस तरह से इसकी फ्रेंकी बना के इसको हम यहाँ पे एक बार रखेंगे, इसको सेक लेंगे अच्छे से। इसी तरह हम दूसरी चलेंगे, इस तरह से रख के, इस तरह से। विनेगर वाली हरी मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे, हरा धनिया और थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे। अब इसको भी हम फोल्ड कर लेते हैं। अब फोल्ड करके इसको भी हम सेक लेते हैं। लोट पलट के सेक लेंगे। फ्रेंकी सिक गई है तो अब हम इनको उतार लेंगे। देखिए ये फ्रेंकी तैयार है, बहुत अच्छी है, इसको आप टिफिन में भी रख सकती हैं और बच्चों को वैसे भी घर पे बना सकती हैं, तो ये आप भी टिफिन में ले जा सकती हैं और बच्चों के टिफिन में भी रख सकती हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ये फ्रेंकी आपको कैसी लगी, और मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे नई नई अपडेट आपको मिल आती रहेंगी। जो भी मैं बनाऊँगी वो अपडेट आपको आएगी। फिर धन्यवाद।